वेलकम यू ऑल। ठीक है, आप गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों से बात हुई थी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स मैं आपको समझा दूंगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स हमको पढ़ने हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो मेथड से क्या मतलब, जैसे कि हर डिसिप्लिन का कुछ यूनिक मेथडोलॉजी होती है ना। जैसे साइंस की अलग है, साइंस की मेथोडोलॉजी क्या है, क्या उसका यूनिक मेथड है कि एक्सपेरिमेंट, उसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सोशियोलॉजी की क्या है, केस स्टडी है, सर्वे है। इसी तरह से हर डिसिप्लिन की एक डिस्टिंक्ट मेथोडोलॉजी होती है जो उसका एक खास फीचर होता है। और मेथोडोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि हम उस पर जब रिसर्चेस करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो कौन से तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो उसके लिए साइकोलॉजी, चूंकि साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में यूज करके एजुकेशनल साइकोलॉजी बना रहे हैं, इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी वही मेथड्स यूज किए जाएंगे जो साइकोलॉजी में यूज किए जाते हैं, मोर और लेस। तो ये मेथड आपको दिए हुए हैं, मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इंटरव्यू मेथड, डिफरेंशियल मेथड और साइको एनालिसिस। ये कुछ खास मेथड है जिनमें से आपको खास खास बातें मैं बता दे रही हूँ। ठीक, वैसे बहुत साधारण सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को हिंदी में चाहिए तो हिंदी में सुनिए। देखिए, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक, दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान में प्रयोग किए जाने वाला ये सबसे पुराना मेथड है। इसके पहले किसी भी प्रकार की मेथड की बात नहीं होती। जब सबसे पहली बार मेथड की बात होती है तो वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है। और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है, देखो आगे लिखा हुआ है कि द वर्ड इंट्रोस्पेक्शन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, इंट्रो, इंट्रो मीनिंग विदिन, ये विदिन है, ये जी एक एक्स्ट्रा है, ये चूंकि मेरा टाइप किया हुआ नहीं है इसमें, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये जी नहीं होना चाहिए। तो इंट्रो मीनिंग विदिन, विदिन का मतलब आपके अंदर, एंड स्पीयर मीनिंग टू लुक, यानी आपके अंदर या अपने अंदर देखना। देयरफॉर इंट्रोस्पेक्शन इंप्लाइज सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या हो गया कि हमको अपना निरीक्षण करना है, अपना प्रेक्षण करना है, और इन अदर वर्ड्स टू एक्सपीरियंस वंस ओन मेंटल स्टेट, यानी कि खुद की मानसिक दशा का अनुभव करना है। दैट इज टू ऑब्जर्व, एनालाइज एंड रिपोर्ट वंस ओन फीलिंग्स, यानी कि अपनी अपनी मानसिक दशाओं का प्रेक्षण करना है, उसका विश्लेषण करना है, उसको अनुसूचित करना है, रिपोर्ट करना है। ठीक, यही क्या कहलाता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहलाता है। नाउ लेट अस टर्न टू टू साइकोलॉजिस्ट, जेम्स एंड स्टाउट, टू नो व्हाट दे हैव सेड अबाउट साइकोलॉजिकल मेथड इन एजुकेशन। जेम्स और स्टाउट महोदय ने, जो दो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन इज व्हाट वी हैव टू रिलाई ऑन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड ऑलवेज। मतलब इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या है, वो उस तरीके का प्रेक्षण है जिसमें आप सबसे पहला, रिलाय ऑन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहली बार प्रथम दृष्टया जो आपने देखा वो इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ये कोई खास बात नहीं है, इसी तरह से इंट्रोस्पेक्शन जो खास बात है वो आपको बताने की। तो एक मैं चाह रही थी इसका पीपीटी बना लो, बट आई डोंट गेट टाइम, सॉरी। हाँ, मेरिट्स और डीमेरिट्स देखिए। मेरिट्स क्या है, मेरिट्स का मतलब गुण, डीमेरिट्स का मतलब अवगुण, इतना तो जानते होंगे आप लोग। तो मेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड, पहली खास बात क्या है, इंट्रोस्पेक्शन इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान में जितनी भी विधियां प्रचलित हैं, जितनी भी मेथड्स हैं, उनमें ये सबसे आसान है। इट डज नॉट नीड एनी टूल और लेबोरेटरी एज द सब्जेक्ट एंड द इन्वेस्टिगेटर इज द सेम। चूंकि इसमें करना क्या है कि आपको अपनी मानसिक दशाओं के बारे में बताना है। वो कह रहे हैं क्या, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मतलब आपके मन में जो चल रहा है वही आपको रिपोर्ट करना है। तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के उपकरण की जरूरत नहीं है। और चूंकि जो सब्जेक्ट है और जो इन्वेस्टिगेटर है दोनों सेम ही है, यानी कि मैं ही सब्जेक्ट हूं और मैं ही इन्वेस्टिगेटर हूं, तो मुझे किसी भी प्रकार के टूल की भी जरूरत नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल भी है। इसीलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड एंड वन विच इनेबल्स अस टू नो अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स, हिज ऑब्लिक हर। मतलब कोई भी पुरुष, स्त्री, कोई भी अपनी मानसिक दशाओं के बारे में लिख रहा है तो उसको किसी भी प्रकार के टूल की जरूरत नहीं है। और ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल भी है। इंट्रोस्पेक्शन एज ए मेथड हैज जनरेटेड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, होना चाहिए यहाँ पे, ये देखिए स्टूडेंट्स की जगह स्टडीज होना चाहिए, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो इंट्रोस्पेक्शन यानी कि ये जो तरीका है, अंतर्निरीक्षण का जो तरीका है, वो बहुत सारा इस पर अनुसंधान काम हुआ है और ये हर प्रकार की दशाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये तो इसकी मेरिट्स दिखाई देगी, चलो बहुत इजी भी है, सॉरी इजी नहीं है, बहुत इजी इसलिए नहीं है, आपको डीमेरिट्स में पता चलेगा क्यों इजी नहीं है। तो इकोनॉमिकल है और बेस्ट सूटेड है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, और लिखा है जरूर इजीएस्ट, क्योंकि
तुरंत कर सकते हैं, हम अपने बारे में लिख सकते हैं, लेकिन इजी इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये सही नहीं आता है इसका रिजल्ट, इसलिए आप इसको इजी नहीं कर सकते, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आपको अपनी मानसिक दशा के बारे में वर्णन करना है। फिर ड्रॉबैक्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब क्या कमियां हैं इसमें, देखने से तो बहुत आसान लग रहा है कि हमको ठीक है, हमको अपनी मानसिक दशा के बारे में लिखना है, हमको कोई टूल भी नहीं चाहिए, हमको उसके लिए कोई सेटिंग भी नहीं चाहिए, हमको किसी से रैपो भी नहीं एस्टैब्लिश करना है और फटाफट हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जब हम इसकी कमियां देखते हैं तो देखिए क्या कमी है। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स लुकिंग इन टू वंस ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स, सो when one attempts to study one's mental state it disappears and therefore it is different to introspect the changing psychological experiences। मतलब जैसे आप कोई नॉर्मल स्टेट में तो इंट्रोस्पेक्शन कर नहीं रहे कि हम एकदम चुपचाप बैठे हुए हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जनरली नहीं। जब हम किसी ऐसी अनयूजुअल मानसिक दशा में हैं, जैसे हम बहुत नाराज हैं, हम बहुत क्रोधित हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत खुश हैं, यानी कि कोई इस तरीके की साइकोलॉजिकल स्टेट है जो थोड़ी अनयूजुअल है, तो हम उसका वर्णन करना चाहते हैं, उसमें अपना प्रेक्षण करना चाहते हैं, निरीक्षण करना चाहते हैं, या हम साधारण दशा में बैठे हैं उस दशा का भी करना चाहते हैं, तो आप ही है ना जो जो फील कर रहे हैं और आप ही हैं जिसको लिखना है तो या रिपोर्ट करना है या ऑब्जर्व करना है। तो जब आप इस मेंटल स्टेट में चले जाएंगे कि आप ऑब्जर्व करने की दशा में चले गए तो इसका मतलब वो दशा तो खो गई ना, वो दशा तो लुप्त हो गई जिस दशा के बारे में आप लिखना चाह रहे थे। समझ में आ रही बात, दोनों दशाएं एक साथ नहीं चल सकती ना, कि आप गुस्सा भी हैं और आप लिख भी ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, या आप खुश भी हैं आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, या तो आप खुश हैं या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तब आप खुश नहीं है और जब आप खुश हैं तब आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, यानी कि दोनों स्टेट एक नहीं है। इसीलिए जब हम इंट्रोस्पेक्शन करने की दशा में जाते हैं तो वो दशा एक्चुअली हमारी मेंटल स्टेट होती ही नहीं है जिसका हमको ऑब्जर्व करना है, यानी कि टाइम लैग है दोनों के बीच में, है ना, टाइम लगेगा, वो टाइम नहीं, इसलिए ये चीज सही निकल कर नहीं आती है जो हम डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। एज द सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर इज सेम द इंट्रोस्पेक्शन बिकम्स सब्जेक्टिव एंड बायस्ड एंड देयरफॉर द डेटा मे नॉट बी रिलायबल एंड वैलिड द पर्सन मे नॉट कंसिडर सर्टेन फैक्ट्स। यानी कि चूंकि हमको ही अपने बारे में लिखना है तो हम क्या हो जाते हैं, सब्जेक्टिव हो जाते हैं, कितना भी चाहेंगे तो हम अपने बारे में ऑब्जेक्टिवली नहीं बता पाएंगे ना, हमारा कहीं ना कहीं सब्जेक्ट उसमें आ जाएगा, हम बायस्ड हो जाएंगे, पक्षपात कर लेंगे अपने लिए। जैसे मान लीजिए हम कुछ अपनी दशा में और हम बहुत ही किसी के बारे में बहुत ही बुरा सोच रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि उसका एकदम हम बुरा से बुरा कर दें, तो क्या जब हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे, तब हम अपने आप को रिफाइंड कर लेंगे, अपनी सोच को रिफाइंड वे में लिखेंगे, इसलिए ये जो इसका रिजल्ट आता है, ये जो डेटा है वो रिलायबल और वैलिड नहीं होता है। ठीक, फिर कह रहे हैं द इंट्रोस्पेक्शन मेथड कैन नॉट बी डन बाय एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड चिल्ड्रन। जो एबनॉर्मल इंडिविजुअल है, जो साधारण नहीं है, जिनके साथ कोई असाधारण चीज है, वो नहीं लिख सकते अपने बारे में, क्यों, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं एनालाइज कर पाएंगे और ना ही बच्चे कर पाएंगे। ठीक, ए पर्सन शुड बी हाईली ट्रेन एंड स्किल्ड टू इंट्रोस्पेक्ट प्रॉपरली। एक व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग अगर उसको मिली हो और वो हाईली स्किल्ड हो तभी वो अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है। इसीलिए बोल रही थी कि ये ईजीएस्ट नहीं, लिखने को कह सकते हो कि ईजीएस्ट है क्योंकि कर सकते हैं, लेकिन जो डेटा निकल के आएगा वो सही नहीं है तो फिर उस मेथड का कोई मतलब नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि डेटा सही निकल के आए तो हमको ट्रेनिंग चाहिए। ठीक, ये ठीक है, इसमें कोई खास। Hence we can conclude that the introspection method cannot be considered as precise. यानी कि जो introspection जो method है उसको हम precise नहीं कह सकते। The limitations can be overcome by proper training and only then can it become effective. यानी कि जो इसकी कमियां हैं वो proper training से कुछ हद तक दूर की जा सकती है कि हम इस तरह की training लें कि हमको पता हो कि कैसे report करना है, कैसे हमको mental state change हो रही है तो वो सारी चीजें ध्यान रखनी है, इसकी proper training चाहिए। And only then it can it become effective. अगर ऐसा हो जाएगा तो ये method effective हो सकता है। अब कह रहे हैं लेट अस नो, यानी कि हम क्या जाने कि इंट्रोस्पेक्शन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इंट्रोस्पेक्शन मींस सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इंट्रोस्पेक्शन मींस एग्जामिनिंग द इनर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल बाय वनसेल्फ। यानी कि एक व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार का उसी के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाना ही इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन इज द इजिएस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल, सबसे आसान है और सबसे मितव्यय है, कोई खर्चा नहीं है इसमें। इन दिस मेथड द इंडिविजुअल इज बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। यानी कि इंडिविजुअल जो है, जो व्यक्ति है, वही विषय है और वही प्रेक्षण करता है। इंट्रोस्पेक्शन इज जनरेटेड लॉट ऑफ रिसर्च, वही बात हो गई। इंट्रोस्पेक्शन मेथड कैन नॉट बी डन रिपीटेटिव है। व्हाइल इंट्रोस्पेक्टिंग एन इंडिविजुअल मे हाइड सर्टेन फैक्ट्स ऑफ हिज मेंटल स्टेट एंड देयरफॉर द ऑब्टेन डेटा मे नॉट बी वैलिड। यानी कि जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हम कुछ चीजें छुपा ले जाते हैं अपने बारे में, इसलिए ये डेटा वैलिड भी नहीं है। अब ये चेक योर प्रोग्रेस है, आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। ये बार आप अपने, ये आपका सेल्फ वर्क होगा, इसको खुद करिएगा। अब आया ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो
इंट्रोस्पेक्शन हो गया, इंट्रोस्पेक्शन में कहा गया सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इसमें ड्रॉबैक क्या था कि चूंकि हमको खुद ही अपना ऑब्जर्वेशन करना है इसलिए हम उसको सही नहीं कर, मतलब इंट्रोस्पेक्शन क्या था, अपने अंदर झांकना ना कि हम अंदर से क्या है, तो हम अंदर से जो है वो हम दूसरे को थोड़ी बताएंगे, इसीलिए रिलायबल वैलिड और ये सारी चीजें इसमें आके फंस गई। तो इस मेथड को, सॉरी इस कमी को दूर करने के लिए हमने इजाद किया दूसरा मेथड जो कि वो ऑब्जर्वेशन मेथड। तो यहाँ सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। तो क्या हो जाएगा, विषय कोई दूसरा होगा, प्रेक्षणकर्ता दूसरा होगा। तो जब हम किसी दूसरे का ऑब्जर्वेशन करेंगे तब हम ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं, देखने से लग रहा है। लेकिन इसमें भी कुछ खामियां हैं, देखिए क्या है, ये कह रहे हैं इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, मतलब पुरानों में से ये एक है और बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रचलित है। जब आप आगे साइकोलॉजी पढ़ेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े बिहेवियरिस्ट जो है उन्होंने ऑब्जर्वेशन के ही तहत बहुत सारी थ्योरीज इजाद की और जो आज भी काम आती है, पढ़ी जाती है, यूज की जाती है। ये कह रहे हैं इट हैज रिप्लेस द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसने, किसने, प्रेक्षण विधि ने रिप्लेस कर दिया किसको, इंट्रोस्पेक्शन को या सेल्फ ऑब्जर्वेशन को। द ऑब्जर्वेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, इसीलिए जो प्रेक्षण विधि है इसको हम ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डोलार्ड द प्राइमरी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट वुड सीम टू बी द ऑब्जर्विंग ह्यूमन इंटेलिजेंस ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द बेसिक मेथड विच मीन दैट इंडिविजुअल, ये कह रहे हैं कि जो प्रेक्षण विधि है वो एक बेसिक तरीका है ना, मूल विधि है जिसमें कि हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, व्यवहार में क्या क्या आ जाएगा, बॉडीली जेस्चर, कि हम किस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करें। जैसे हमने क्रिकेट टीम जब जीतने लगती है तो हम कहते हैं ना ये देखिए उनका बॉडी जेस्चर देखिए चेंज हो गया, एकदम खिलाड़ी उत्साहित हो जाते हैं, एकदम फुर्ती आ जाती है, उनकी फील्डिंग में फुर्ती आ जाती है, सब चीज में वो फुर्तीले हो जाते हैं। और जो टीम हार रही होती है एकदम उसका निश्चित हो जाता है कि वो जीत नहीं सकती, वो रन जा रहा है तो उसको भी छोड़ देते हैं कि अब क्या उसको दौड़ के बचाएंगे, हार ही रहे हैं ना। तो इस तरीके की बॉडी जेस्चर ये आएगा आपके बिहेवियर में। फेशियल एक्सप्रेशन, देखिए आप दुखी हैं, आप बहुत खुश हैं, अगर आप बहुत खुश हैं तो भी आप अपनी खुशी छुपा नहीं सकते, आप बहुत दुखी हैं तो चाहकर भी आप अपने आप को खुश नहीं जाहिर कर सकते ना, बहुत मुश्किल है। तो फेशियल एक्सप्रेशन जज किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, एंड अदर बॉडी रिएक्शन, और भी जो आपकी बॉडी से एक्शन सॉरी हो रहा है। इट इज एक्सेप्टेड बाई साइकोलॉजिस्ट दैट एन इंडिविजुअल्स ओवर्ट बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ हिज इंटरनल मेंटल कंडीशंस। इस बात पर सभी मनोवैज्ञानिक एकमत हैं, मोस्टली एकमत हैं कि हमारा जो ओवर्ट बिहेवियर होता है वो हमारे इंटरनल मेंटल कंडीशन का रिजल्ट है, यानी कि हम आंतरिक मनोदशा हमारी क्या चल रही है उसी हिसाब से हम बिहेवियर करेंगे और वो बिहेवियर ऑब्जर्व कर लेगा कौन, ऑब्जर्वर। ठीक है, द ऑब्जर्वर मेक्स सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन थ्रू रिकॉर्डिंग इन ए नेचुरल सिचुएशन। एक बात और जो ध्यान देने की है कि हमको जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जर्वेशन नेचुरल सेटिंग में करना है, अगर हम उसको किसी अननेचुरल सेटिंग में उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कि अगर हमको स्टूडेंट्स पर कोई स्टडी करनी है तो हम उनको क्लासरूम में स्टडी करें, मतलब उनकी नेचुरल सेटिंग डिस्टर्ब ना हो तो वो जो बिहेवियर करेंगे वो नेचुरल होगा, या प्लेग्राउंड में उनको स्टडी करें, या उनको ऑडिटोरियम में स्टडी करें, या उनको इस तरीके का। तो अगर उनको घर में उनका हम स्टडी रिलेटेड कोई बिहेवियर स्टडी करना चाहते हैं तो घर में वो उस तरीके से नहीं बिहेव करेंगे जैसा कि वो स्कूल में करते हैं, तो नेचुरल सेटिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इन नेचुरल ऑब्जर्वेशन द एक्सपेरिमेंटर ऑब्जर्व्स एंड रिकॉर्ड्स द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द नेचुरल सेटिंग एज हैज बीन मेंशनड अबव। हियर द सब्जेक्ट्स आर नॉट कॉन्शियस अबाउट देयर बिहेवियर बीइंग ऑब्जर्व्ड। और जो खास बात ध्यान देने की है वो ये है कि व्यक्ति को, मतलब बच्चों को, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर उसको पता चल जाएगा तो वो कॉन्शियस हो जाएगा, फिर वो अपना नेचुरल बिहेवियर शो नहीं करेगा, है ना। अगर हमको पता है कि कोई हमको देख रहा है हम क्या कर रहे हैं तो हम उस तरह से नहीं पढ़ा पाएंगे, या आप उस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे, या आप उस तरह से रिएक्ट नॉर्मल नहीं, हम उस दिन आप कुछ एबनॉर्मल फील कर जाएंगे। तो दो बातें खास हो गई कि नेचुरल सेटिंग होनी चाहिए, दूसरी बात को कॉन्शियस नहीं होनी चाहिए कि उनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन जो है वो भी दो प्रकार का है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब कि जो ऑब्जर्वर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है उस ग्रुप में, यानी कि अगर मैं किसी क्लासरूम की, किसी कॉलेज स्टूडेंट की स्टडी करना चाहती हूँ तो मैं उस ग्रुप में शामिल हो जाऊँ और उन्हीं का एक पीयर ग्रुप, पीयर मेंबर बन जाऊँ और तब मैं उनकी स्टडी करूँ, तो दूसरे तरीके का हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमको दूर से उनका ऑब्जर्वेशन करना है और ये ध्यान देना है कि उनको पता ना चले हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, तो ये दो तरीके हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन के, दोनों ही दशाओं में सेटिंग नेचुरल होनी चाहिए और वो कॉन्शियस ना हो, इसलिए उनको पता ना हो कि उनका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। अब ये बात दूसरी है कि इसमें इथिक्स इन्वॉल्व है
और वो हमको पता करना पड़ेगा कि हम क्या नाम है, उनको पता है कि नहीं कि उन पर रिजल्ट स्टडी की जा रही है, या जो उनका टीचर है हमने उससे परमिशन ली है, उनके प्रिंसिपल से परमिशन ली है, ये सारी बातें दूसरी, ठीक। इनके आप उसमें मत पड़ेगा कि किसी को पता नहीं और हम जाकर किसी पर स्टडी कर लेंगे, ये नहीं होता है। इथिक्स का आजकल बड़ा मसला है। अच्छा, सर्टेन प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड इन दी ऑब्जर्वेशन मेथड। यदि हम ऑब्जर्वेशन मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए। कौन से सिद्धांत है? ऑब्जर्वेशन शुड बी मेड नॉट ओनली ऑफ द इंडिविजुअल्स बिहेवियर बट ऑफ द होल सिचुएशन। यानी कि हमको सिर्फ व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण नहीं करना है बल्कि हमको पूरी सिचुएशन देखनी है, होलिस्टिक अप्रोच रखनी है ना। फिर प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन प्रोसेस शुड बी मेड, यानी कि हमको पूरी योजना के संग ऑब्जर्वेशन करने जाना है। यही कि क्लास शुरू हुआ उसके दो मिनट बाद हम पहुंचे हम अपनी अब सेटिंग लगा रहे हैं तो सारा कुछ हमारे हाथ से कई जरूरी ऑब्जर्वेशन के मुद्दे निकल जाएंगे। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, यानी कि हमारे उद्देश्य क्लियर होने चाहिए कि हम क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं। एंड दी प्रॉपर टूल्स फॉर रिकॉर्डिंग मस्ट बी केप्ट प्रॉपरली। जो भी टूल हम रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, वीडियो कैमरा, वेब कैम और वॉट एवर, तो वो सब कुछ हमारा पहले से प्रॉपरली तैयार होना चाहिए। हम मतलब फुल प्रूफ रेडी होने चाहिए। ऑब्जर्वर मस्ट सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी ऑब्जर्व। यानी कि हमको ये भी पहले तय कर लेना होगा कि हमको कितने ऑब्जर्व, कितने पार्टिसिपेंट्स का ऑब्जर्वेशन करना है। पूरी क्लास का नहीं कर पाएंगे आप, कि हर क्योंकि हर बच्चे का आप इक्वल इंफेसिस नहीं कर सकते, और कई लोग एक साथ आपस में बात कर रहे हो तो आपका दिमाग बढ़ जाएगा तो फिर मुश्किल होगी, है ना। फिर द टाइम लिमिट ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट ऑल्सो बी फिक्स। ये भी आपको पहले तय कर लेना होगा हमको कितने मिनट करना है, 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है, आधा घंटा करना है, जैसी आपकी स्टडी की आवश्यकता हो। टू लॉन्ग टाइम मे मेक द ऑब्जर्वर डिस्ट्रैक्टेड। बहुत लंबा समय लेंगे तो हमारा दिमाग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, और हम किसी और तरफ हमारा दिमाग चला जाएगा और चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। एन ऑब्जर्वेशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। द ऑब्जर्वर मस्ट हैव द प्रॉपर स्किल्स एंड एप्टीट्यूड एंड द एबिलिटी टू रिपोर्ट एक्यूरेटली। यानी कि ये भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, हैफजर्ड वे में नहीं हो रहा है कि कहीं से किया, कहीं से कट कर दिया, कहीं से छोड़ दिया, तो हम चीजों को हम डॉट्स को मिला नहीं पाएंगे और एक्चुअल पिक्चर निकल कर सामने नहीं आएगी जो कि हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। इसलिए उसके पास प्रॉपर स्किल होनी चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए मतलब योग्यता होनी चाहिए, अभिक्षमता होनी चाहिए, कौशल होने चाहिए प्रॉपर, तब वो ये सब काम कर पाएगा। ओनली देन विल द डेटा बी रिलायबल। यानी कि तब जो हमारे पास एकत्र आंकड़ा आएगा वो विश्वसनीय होगा, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है ऑब्जर्वेशन की? इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल सेटिंग में उसका ऑब्जर्वेशन करें, इसलिए हमको रिलायबल डेटा मिलने की संभावना इसमें ज्यादा होती है। देखो इसीलिए कह रहा है इट इज ऑब्जेक्टिव एंड देयरफॉर मोर रिलायबल। क्यों? क्योंकि हम अपना नहीं कर रहे ना, किसी दूसरे का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो हम अपना सब्जेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो डेटा जो है रिलायबल आएगा। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। किसी भी एज ग्रुप के बंदे पर, इंडिविजुअल्स पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कैन बी डन थ्रू सिंपल टूल्स एज वेल एज सोफिस्टिकेटेड वंस लाइक कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर एटसेट्रा। बहुत सारी बातचीत हो रही है वो सब आप दिमाग में नहीं रख सकते, आप नोट डाउन करेंगे तो छूट जाएगा, इसलिए आपको टेप रिकॉर्ड से या किसी भी चीज से आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। वीडियो रिकॉर्डर आजकल तो बहुत बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड इन एनी सिचुएशन ऑफ अवर डे टू डे लाइफ। जिस भी घटना का आप चाहें उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं डे टू डे लाइफ। अच्छा, अब देखने से बड़ा सही लग रहा है लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि पहला, डेटा कैन बी कलेक्टेड ओनली अबाउट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और ओवर्ट बिहेवियर। यानी कि सिर्फ हम उसी व्यवहार का प्रेक्षण कर सकते हैं जो कि हमको बाहर से दिख रहा है, जो कि ऑब्जर्वेबल है, प्रेक्षण करने योग्य है, उसी का कर सकते हैं ना। Therefore, it can be unreliable at times as the subject's mental behavior can be different. कि तो हमारी मानसिक दशा जो है वो चेंज होती रहती है, इसलिए कहीं कहीं पर इसकी रिलायबिलिटी जो है वो सफर करती है। फिर पर्सनल prejudices और इन अदर वर्ड सब्जेक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वर कैन बी अ बिग ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। द ऑब्जर्वर्स ओन इंटरेस्ट वैल्यूज मे इफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा टू ए ग्रेट एक्सटेंट। मतलब कहने को ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन कहीं ना कहीं जो बंदा ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसका पर्सनल prejudices में आ जाता है, उसकी सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ये जो है इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उसका अपना इंटरेस्ट, अपने मूल्य। जैसे मान लीजिए अपने मूल्य, मान लीजिए कि आप क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं और आप उस घटना का प्रेक्षण कर रहे हैं और आपका अपना वैल्यू ये है कि किसी को नकल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा नकल कर रहा है तो आप उसको किस ढंग से इंटरप्रेट करेंगे? तब आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएंगे ना, आप अपने आप कह देंगे कि नहीं ये गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, नियमों के खिलाफ है, नियमों के विरुद्ध है। या अगर आपका वैल्यू ये है कि अरे थोड़ी बहुत नकल तो जायज है और इतना तो पूछ ही सकते हैं, तो बच्चे अगर पूछ रहे हैं
तो आप उसको उस तरह से लिखेंगे कि ठीक है ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है और बच्चे पूछ रहे हैं, वॉट एवर, मतलब आप किसी भी घटना को अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है और कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर की सब्जेक्टिविटी ऑब्जर्वेशन में इन्वॉल्व हो ही जाती है। फिर द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट्स मे बी अफेक्टेड बाय द टाइम एंड प्लेस, जो सब्जेक्ट है उसका भी बिहेवियर बदल जाता है किसके हिसाब से, समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से। आप उन्हीं बच्चों को मॉल में ऑब्जर्व कीजिए, उनको उनके घर में ऑब्जर्व कीजिए, उनको उनके क्लासरूम में ऑब्जर्व कीजिए, आपको हर जगह ऑब्जर्वेशन अलग अलग आएगा, है ना। फिर देयर बिहेवियर मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस, ये भी संभव है कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग समय पर वो अलग अलग रिएक्ट करें। जैसे मैथ्स की क्लास में अलग रिएक्ट करें, मान लीजिए मैथ्स की क्लास उनको पसंद नहीं, उनको मैथ्स आती नहीं, उनको मैथ्स का टीचर पसंद नहीं है, उसके संग उनकी केमिस्ट्री ठीक नहीं है, केमिस्ट्री के टीचर के संग उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो केमिस्ट्री के, यानी कि एक ही व्यक्ति का व्यवहार भी अलग अलग दशाओं में सेम जगह पे अलग अलग परिस्थितियों में बदल सकता है। तो ये भी आपके लिए बड़ा टास्क गड़बड़ हो जाता है कि कैसे हमको पता चले कि कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा गलत है, कौन सा ओवर्ट है, कौन सा कोवर्ट है। ठीक, ये पीछे चला जाता है बार बार, कहां गए। ठीक है, तो ये हम लिमिटेशंस पे चल रहे थे। फिर The observation, अच्छा एक और खास बात, the observation method fails to, अच्छा एक ये भी बात है कि वो कह रहे हैं कि चूंकि ऑब्जर्वेशन का जो मेथड है वो प्रिसीजन को लैक करता है। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंट ऑब्जर्वर होंगे तो वो सब डेटा को अपनी तरह से इंटरप्रेट करेंगे। मान लीजिए हम एक आदमी नहीं ऑब्जर्व कर रहे, कई टीम है, है ना, टीम, लोगों की टीम है, ऑब्जर्वर्स की टीम है, तो एक व्यक्ति उसी डेटा को दूसरी तरह से एनालाइज करेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरी तरह से इंटरप्रेट करेगा, तीसरा तीसरी तरह से इंटरप्रेट करेगा। तो उसके लिए क्या तरीका है कि अगर हम, मतलब इसका एक सोल्यूशन है कि अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा है, मतलब 2 × 2 = 4 है, तो उसको 2 × 2 = 4 सभी बोलेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव है तो उसमें हर सब्जेक्ट, हर ऑब्जर्वर की अपनी सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, तो इंटरप्रिटेशन अलग अलग आएगा। ये भी इसकी एक बड़ी ड्रॉबैक। अच्छा, इसके अलावा एक जो खास बात है इसमें, ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो फेल्स टू एस्टैब्लिश ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट बिहेवियर एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो विषय है आपका जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका जो व्यवहार है और जो सराउंडिंग्स यानी जो उसके इर्द गिर्द वातावरण, उनके बीच में जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है वो हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब कौन कारण है और कौन प्रभाव है, तो हम ये नहीं स्थापित कर पाते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कारण है या परिस्थिति कारण है। समझ में आ रहा, दोनों वैसे वर्षा हो सकता है ना, कि व्यक्ति का व्यवहार जो हो प्रभाव हो और कारण सराउंडिंग हो, या ये हो सकता है कि कारण जो है वो व्यक्ति का व्यवहार है और प्रभाव सराउंडिंग पर पड़ रहा है, कि ये एस्टैब्लिश करना मुश्किल है। ठीक, तो इतनी कमियां ऑब्जर्वेशन में निकल आई, अब क्या करें, अब चलते हैं दूसरे मेथड पर। ठीक, इंटरव्यू मेथड, यानी कि पहले हमने इंट्रोस्पेक्शन पढ़ा, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में कमी ये है कि हमको खुद का ऑब्जर्वेशन करना है, इसलिए हमारी सब्जेक्टिविटी आनी ही आनी है और दशा चेंज हो जाती है जब हम ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं, तो ये रिलायबल नहीं है, वैलिड नहीं है। इसको ओवरकम करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन मेथड लाए, इसमें हमने कहा ठीक है सब्जेक्ट को बदल देते हैं, ऑब्जर्वर बदल देते हैं, चूंकि ऑब्जर्वर सब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन करेगा तो डेटा मोर रिलायबल एंड वैलिड आएगा, लेकिन या फिर वो बात फंस रही है कि ऑब्जर्वर का तब भी उसमें सब्जेक्टिविटी आ रही है और बहुत सारी और खामियां जो आपको पता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश हो रहा है ऐसा वैसा। फिर कोवर्ट बिहेवियर नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ वो बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कोवर्ट है, बहुत कुछ हमारे दिल में है, जरूरी नहीं हम सब कुछ बिहेवियर से निकाल देते हैं, अपने नहीं निकालते हैं, कई चीजें छुपा ले जाते हैं, तो उन सबको ओवरकम करने के लिए हम लाए इंटरव्यू मेथड। देखिए अभी आज सिर्फ 3 मेथड डिस्कस करूंगी, बिकॉज फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा आपका क्या टाइमिंग ना, तो फिर आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे आधा सुन के, आधे के बाद हमें लगता है कि छोड़ो बढ़ा दो वीडियो, है ना। तो आज 3 मेथड सुनिए, बाकी के 3 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो इंटरव्यू मेथड क्या कह रहा है, देखो इंटरव्यू का ये सामने वाला नहीं पढ़ रही, उसको पढ़ लो अपने से, बहुत आसान है, ऐसा कुछ खास नहीं है। इंटरव्यू सब जानते हैं, सबने देखा है, होते हुए लिया है, किया है, इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पता ना हो। और इंटरव्यू की खास बात क्या है कि सब्जेक्ट जो है और जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इंटरव्यूअर है, वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और बातचीत की जाती है। तो क्या बातचीत करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटरव्यू मेथड के, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अननोन फैक्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट, हिज इनर फीलिंग्स, यानी वो बात हमको विषय के बारे में जाननी है जो कि अननोन है, जो कि अज्ञात है, जो कि उसकी आंतरिक मनोदशा है, क्योंकि बाह्य मनोदशा का तो हम ऑब्जर्वेशन से ही पता लगा लेंगे, इसलिए इनर फीलिंग के लिए हमको इंटरव्यू की शरण में जाना पड़ता है। फिर Another objective is to make sure that the interviewer and the subject know each other quite well. वैसे बहुत जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा होगा अगर interviewer और interviewee
पहले से एक दूसरे को जानते हो तो उनकी बॉन्डिंग स्टैब्लिश होना आसान होगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे और वो समझ पाएंगे कि उसे कब कैसे कहाँ प्रोबिंग क्वेश्चन के थ्रू और डेटा निकलवाना है. इंटरव्यू मेथड एम्स एट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टिगेटर टू ऑब्जर्व द सब्जेक्ट वेरी क्लोजली. एज अ रिजल्ट एट टाइम्स द सब्जेक्ट कैन प्रोवाइड न्यू आइडियाज टू द इन्वेस्टिगेटर विच हेल्प द लेटर इन रिसर्च वर्क, है ना. यानी कि हम यही कह रहे हैं कि सब्जेक्ट से हम और अंदर की बात निकलवा सकते हैं और उसको हम लेटर रिसर्च वर्क में यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए एक बेहतर बॉन्डिंग की जरूरत है. अच्छा, ये बात का ऑपोजिट भी हो सकता है. कई जगहों पे ये भी हो सकता है कि सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर एक दूसरे को न जाने तो वो बेहतर बता पाएगा. क्यों? क्योंकि अपने से जिनको हम जानते हैं उनसे हम अपना पूरा दिल खोलकर नहीं बताते कभी कभी, ना. कभी हमको लगता है कि बिल्कुल ही कोई अनजान शख्स है और उसने हमसे ये कॉन्फिडेंशियल रखा है कि हम आपका कहीं डेटा लीक नहीं करेंगे, आपका नाम नहीं आएगा कहीं, और तो हम उसको अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं. तो दोनों चीजें यहाँ चलेंगी, ध्यान देना चाहिए आपको. टाइप ऑफ इंटरव्यू मेथड, कई टाइप के इंटरव्यू होते हैं. जैसे फोकस्ड इंटरव्यू, यानी कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं और एकदम फोकस है कि हमको इसी सवाल पर रहना है, इसी एरिया पे रहना है, अपने आपको भटकाना नहीं है. रिपीटेड इंटरव्यू, बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं, ये फोकस्ड इंटरव्यू रिपीटेड इंटरव्यू में यहाँ पे कम आना चाहिए था, ठीक है. क्लिनिकल इंटरव्यू, यानी कि क्लिनिकल सेटिंग में, यानी कि मेडिकल पेशेंट, कोई मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी करनी है. डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, कोई चीज हमको पता लगानी है उसके बारे में इंटरव्यू कर रहे हैं. रिसर्च इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, यानी बहुत तरीके के इंटरव्यू हैं जो हो सकते हैं. मेरिट्स ऑफ द इंटरव्यू क्या है? द मेरिट्स ऑफ द इंटरव्यू मेथड आर हाई पार्टिसिपेशन ऑफ द सब्जेक्ट और रेस्पॉन्डेंट. क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो हाईली पार्टिसिपेट कर रहा है. क्यों? क्योंकि हम उससे पूछ रहे हैं, वो अपनी मानसिक दशा के बारे में हमें बता रहा है, तो ये बहुत इन्वॉल्वमेंट उसका ज्यादा है. सब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चंस इन ए फ्री मैनर. दूसरी बात, हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रहा है, तो फ्री है बिल्कुल. वो बहुत कितना, दो लाइन में भी जवाब दे सकता है, वो दो पेज में भी दे सकता है, दो घंटे भी उस टॉपिक पे बात कर सकता है, ना. तो सब्जेक्ट जो है वो फ्री मैनर में करता है, तो हमको बहुत कुछ पता चल जाता है. और भी इलिटरेट एज वेल एज चिल्ड्रेन प्रोवाइड प्रॉपर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन क्वेश्चनेयर एटसेट्रा. जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चनेयर भरवाना है, तो हम चिल्ड्रेन से नहीं भरवा सकते अगर उसको लेखन कला नहीं है, अगर वो नहीं लिख पाता है, इलिटरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लिख नहीं पाता है. लेकिन अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो हम उसमें, हमारा विषय कोई भी हो सकता है, चाहे वो अशिक्षित व्यक्ति हो, असाक्षर हो, बच्चे हो, ठीक. फिर द मेथड इज वेरी फ्लेक्सिबल एज इट बिकम्स पॉसिबल फॉर द इंटरव्यूअर टू रीफ्रेम रिपीट एंड रीफ्रेज द क्वेश्चंस एज सुटेबल फॉर द सब्जेक्ट. यानी कि हम अपने क्वेश्चंस को एकदम उसी समय रीफ्रेम भी कर सकते हैं. अगर हमको लग रहा है कि बात बिगड़ रही है, या हमको लग रहा है कि इस बिंदु पर अभी और जानने की जरूरत है, अभी और विषय के मन में और निकालना है, तो हम अपने क्वेश्चंस को उसी वक्त रिपीट, रीफ्रेम, रीफ्रेज सब कर सकते हैं. तो ये बहुत सारा, बहुत फ्लेक्सिबल भी है. फिर सब्जेक्ट इमोशंस कैन बी स्टडीड वेल. आप सब्जेक्ट के इमोशन को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं. जैसे आपको ये ध्यान दे सकते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर देते समय वो असहज महसूस कर रहा है आपका विषय, कब वो बहुत खुश हो जा रहा है, कब वो बहुत दुखी हो जा रहा है, तो हम उसका इमोशन भी स्टडी कर सकते हैं. इट इज ऑफन ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू द सब्जेक्ट मे बिकम इमोशनल. ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब हम किसी से किसी खास टॉपिक पर बात करें तो वो इमोशनल हो जाता है. अगर हम किसी से किसी का दुख उकेर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इमोशनल हो जाएगा. या एक्साइटेड एंड मे एक्सप्रेस फ्रीली हिज फियर्स एंड एंग्जाइटीज एंड कॉम्प्लेक्सेस. और अपना डर जो, अगर उसके मन में कोई चिंता, उसके मन में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स संकुल उसके मन में बना हुआ है किसी को लेकर, तो वो सब कुछ एक्सप्रेस कर देता है. Through the interview method, the investigator may get to know the cause of any behavior pattern of the subject, the historical background of each incident. The data collected through the interview method is reliable. क्यों रिलायबल है? क्योंकि हम विषय से ही बात कर रहे हैं ना, और उससे ही निकल के आ रहा है. इसका मतलब हमारी सब्जेक्टिविटी उसमें नहीं है, वो जो बता रहा है उसको हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं. फिर इंटरव्यूअर उसको एनालाइज कर लेता है एंड क्रॉस चेक द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड. देखिए, ये कहीं पे नहीं हो रहा था, और ना ऑब्जर्वेशन में हो रहा था, ना इंट्रोस्पेक्शन में हो रहा था. यानी कि मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूं और मैं आपकी किसी मनोदशा के बारे में आपसे इंटरव्यू कर रही हूं, आपकी कोई हिस्ट्री है उसके बारे में बात करना चाहती हूं, तो अगर मैं, आपने बताया और फिर मैंने उसको रिपोर्टिंग की, एनालाइज किया, तो मैं क्रॉस चेक कर सकती हूं आपसे जाके कि क्या आपकी उस कही हुई बात का यही अर्थ था जो मैंने निकाला, या मैं कोई गलत इंटरप्रिटेशन करी, है ना. टू फाइंड आउट वेदर द डेटा इज करेक्ट और नॉट, तो हम चेक, रीचेक भी कर सकते हैं अपना इंटरव्यू, अपना एनालिसिस. द इंटरव्यू मेथड कैन बी अप्लाइड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ, ये तो हो गया. इन द इंटरव्यू मेथड द सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेटर आर फेस टू फेस विद ईच अदर, ठीक है. बोथ डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड ड्यूरिंग डिस्कशन व्यूज कैन बी एक्सचेंज एंड दिस इज डिजायरेबल इन ऑर्डर टू स्टडी एवरी सोशल प्रॉब्लम अलोंग विद द सब्जेक्ट्स ओन प्रॉब्लम, ठीक. तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, यानी कि फेस टू फेस हो रहा है तो आप जानिए. अच्छा, अब
देख लीजिए कि अब तो इंटरव्यू मेथड अच्छा लगने लगा है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया है। जो कुछ भी हमारे मन में भाई ऑब्जर्वेशन में कोवर्ट बिहेवियर है, हमारी इनर मेंटल फीलिंग्स नहीं निकल पा रही थी इंटरव्यू में, वो भी निकल आएंगे। लेकिन इसकी भी देखो इतनी डीमेरिट क्या क्या है, इट इज ए कॉस्टली मेथड। तो कॉस्टली टाइम के भी सेंस में, एक वन टू वन हो रहा है इंटरव्यू ना, और मान लीजिए आपको पांच आपके पास सब्जेक्ट है जिनको आपको स्टडी करना है, तो आप एक पर इतना समय लगाएंगे, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर कितना समय लगेगा, और उन पांचों को तो आप साथ में ऑब्जर्व कर सकते थे, तो टाइम वहां बच जाता। तो कॉस्टली है, इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ ट्रेवलिंग। मान लीजिए एक इस शहर में, दूसरा उस शहर में, तीसरा उस देश में है, मान लीजिए आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट चुन रखा है, तो आपका तो ट्रेवलिंग में ही सारा समय और पैसा चला जाएगा। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ये सब है। ए लॉट ऑफ प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, आपको बहुत स्टडी करनी है पहले, पड़ेगी किसी का इंटरव्यू करने से पहले उसका पूरा डिटेल आउट, क्या हिस्ट्री है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा तो रीफ्रेम वहां हो जाता है जब आप ऑन द स्पॉट अपने क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, लेकिन आप ब्लैंक होकर किसी का इंटरव्यू नहीं लेने जाएंगे ना, वो बोलेगा पूछो, आपके पास कोई प्रश्न ही नहीं, क्या पूछेंगे आप। यानी कि इंटरव्यूअर को भी बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर द सब्जेक्ट मे नॉट रिवील हिज ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, अभी सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी, अगर आप जो जानना चाह रहे हैं वो बताई नहीं रहे, उसको नहीं बताना है, उसको ओपिनियन फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं करनी, तब आपका इंटरव्यू फ्रूटफुल होगा, फ्रूटलेस हो जाएगा। समटाइम्स इंटरव्यूअर मे हैव प्रीकंसीव्ड नोशंस व्हिच मे नॉट होल्ड ट्रू ड्यूरिंग इंटरव्यू बट ही इज रिलक्टेंट टू चेंज हिज व्यूज। जैसे मान लीजिए मैं ये मानकर चली हूं कि आप मुझसे ये बातें करेंगे, लेकिन आप हमसे ऐसी बात कर ही नहीं रहे, और हम हैं कि बदलने ही नहीं चाहते अपने नोशन को, तो सारा कुछ घालमेल हो जाएगा। ठीक, The interviewer's perception of things may clash with those of the interviewees. मैं जिस चीज के बारे में जैसा सोचती हूँ, मैं मान लीजिए आपसे लव मैरिज अरेंज मैरिज पर बात कर रही हूँ कि कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, मैं ऐसा टॉपिक लिया जो आपको समझ में आएगा ना? तो मैं मान लीजिए मानकर चली हूँ कि अरेंज मैरिज अच्छी है और आप मानकर चलते हैं कि लव मैरिज अच्छी, तो क्या होगा कि मेरा जो परसेप्शन होगा वो आपके परसेप्शन से क्लैश करेगा ना, तो पूरा इंटरव्यू की सेटिंग बिगड़ जाएगी। क्या होना चाहिए कि मैं अपना परसेप्शन छोड़ दूं और आपके परसेप्शन के हिसाब से आपसे बात करूं, तो वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज होती हैं, जो हमारा परसेप्शन होता है, वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है, क्योंकि हम इंसान ही है ना, इसीलिए इसको वस्तुनिष्ठा और व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। व्यक्ति की निष्ठा कहीं ना कहीं आती ही है, उसको आप मशीन नहीं है जो बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे उससे। और उसी तरह से देयर कैन बी डिफिकल्टी इन परसुएडिंग द सब्जेक्ट टू बी इंटरव्यू, ये भी हो सकता है कि आपको जिसका इंटरव्यू लेना है आप उसको परसू ही नहीं कर पा रहे हैं, या आपने मतलब आप में वो स्किल नहीं है, इंटरव्यूइंग भी एक बहुत बड़ी कला है, आप में इंटरव्यू लेने की कला नहीं है, तो एक प्रश्न पूछा उसने एक जवाब दिया, आप भी चुप वो भी चुप, फिर आग बात कैसे आगे बढ़ेगी। यानी कि प्रोबिंग क्वेश्चंस के थ्रू इतना बैकअप हमारे पास होना चाहिए कि ये सवाल अगर काम नहीं देगा तो हम ये सवाल पूछेंगे, ये नहीं काम देगा तो ये पूछ लेंगे, अगर ऐसा, ये सारा प्रोस एंड कॉन्स पहले से सोचकर तब हमको इंटरव्यू लेने जाना है किसी का। ठीक है, तो आज यही तीन मेथड को स्टडी करते हैं। ये तीन मेथड कौन कौन से हो गए, इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू, ये तीन बहुत कॉमन मेथड है, बाकी के भी आगे मैं आपको बता दूंगी। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक बैकग्राउंड दे दिया, इसके बाद आप स्वतंत्र हैं बुक से, मटेरियल कहीं, आजकल तो नेट पे इतना मटेरियल है, सब जगह से पढ़कर अपने नोट्स बनाने के लिए। ठीक, तो बेसिक फाउंडेशन मैंने रख दी है। ओके, डन।